वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि EVS का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी डेफिनेशन को समझेंगे, इनके मतलब को समझेंगे। इसके साथ ढेर सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए हैं सभी को यहाँ करते चलेंगे। यूपी टेट का आप सिलेबस उठा के देखो, एस टेट का, SSC और PCS, लोअर PCS अपर PCS के लिए स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ मैं। ये तीनों के चारों के सिलेबस मैंने कम्बाइंड करके उन सभी के चैप्टर्स को निकाल करके कम्बाइंड फॉर्म बनाई है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इस कोर्स की। यहीं से आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे इन सभी एग्जाम्स के। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे डेली के डेली। 5 दिन में हम इन कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो कोर्स हैं इसका सिलेबस ये रहा। हम ये पढ़ने वाले हैं टॉपिक, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इनको पढ़ेंगे। तीनों के डिफरेंस को जानेंगे, क्या होता है, क्या मतलब है, कैसे आप डिफाइन करेंगे इनको। एटमॉस्फियर, वायुमंडल में कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स पर बनते हैं क्वेश्चंस। कितनी तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरह के नॉइस पोल्यूशन। बायोडायवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेम्परेचर, तापमान को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और किस जीव के लिए फेमस है। कुछ आंदोलन भी हुए हैं जो कि पर्यावरण को लेकर हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, 193 मेंबर हैं इसके। कुछ इसके ऐसे संस्थान भी हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है यूपी टेट में, इसलिए मैंने यहाँ रखा है इसको। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करेंगे, जलवायु। आगे देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। फ्यूल बहुत डिटेल में, रेवोल्यूशंस, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इस तरह की पीली क्रांति। केमिकल्स को डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक, रिवर्स एंड हॉटस्पॉट। आप कहेंगे कि रिवर्स तो ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, यहाँ क्यों शामिल किया, यूपी टेट के पेपर में रिवर्स से क्वेश्चन बना है तो इसलिए मैंने यहाँ शामिल कर लिया। आगे चलते हैं, हॉटस्पॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शुरुआत करते हैं। पहले ही समझेंगे हम इन्वायरमेंट को, पर्यावरण होता क्या है, इसके समझते ही आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पूरा वीडियो बिल्कुल बेस्ड रहेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें एक प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक था वो ऐड करना रह गया, फोटोसिंथेसिस टॉपिक और ऐड करेंगे, उससे भी बहुत क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में। मैंने सब यूपी टेट और जो PCS, लोअर PCS और PCS तीन और ये SSC चारों के पेपर का एनालिसिस करके ये सिलेबस तैयार किया है। किसी भी एग्जाम में देना आपका EVS का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचने वाला। सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की। आप जानते हैं आपके चारों ओर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। जैसे देखिए, रिवर भी आपने देखी होगी, आपके आसपास से नालियाँ निकल रही होंगी, रिवर्स नदियाँ निकल रही होंगी, पानी बह रहा होगा, गड्ढे होंगे कहीं पर, कहीं पर मेंढक आपने देखा होगा, कहीं कुत्ते भी आपके आसपास होंगे, घर देखे होंगे आपने, आपने पहाड़ देखे होंगे, सनलाइट आपने देखी होगी, सन देखा होगा, सनलाइट, ठीक है। और ये क्या है, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्री हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने, हमें नेचर ने पहले से ही प्रकृति में अवेलेबल हैं, या कुछ चीज़ हमारी हाथों की बनाई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास, वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, हमारे सराउंडिंग में हैं, इन सभी का ग्रुप कहलाता है, इन सभी का समूह कहलाता है पर्यावरण या इन्वायरमेंट। तो वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर तो ये चीज़ें पहले से विद्यमान थी, इन चीज़ों का हम अलग अलग नाम ना लेकर के हम क्या नाम लेंगे, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। इन्वान का मतलब होता है टू सराउंड, चारों ओर होना, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी, सिंपल, यहाँ से NCERT की डेफिनेशन है ये, NCERT से ही बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं हम। NCERT और SCERT की बुक्स से जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है पर्यावरण कहलाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी डेफिनेशन पर। टेक्निकल डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे इसकी, आइए समझते हैं। तो पर्यावरण में हमने क्या देखा, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, उन चीज़ों को देखेंगे क्या क्या हैं। तो पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब हमने क्या देखा, ये आप एक प्राणी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्राणी है, इसके चारों ओर, ये जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण कहलाती हैं, वही तो लिखा है हमने यहाँ। अब इनको टेक्निकल नेम हम देने लगे, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर के पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। अब जीवधारियों में देखिए, तो एक डेफिनेशन और दे सकते हैं अगर आप ऐसे शिफ्ट, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ। हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है, हम जीवधारी क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम लोग। तो ये क्या है, जीवधारी और वनस्पति, प्लांट्स के चारों ओर का जो आवरण है, यानी उसके चारों ओर जो भी प्रेजेंट है चीज़ें, वही इन्वायरमेंट है,
वही डेफिनेशन है जो पहले पेज पर हमने ली थी, वही आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको, टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ शिफ्ट आप देखो कर जा रहे हैं हम लोग। पर्यावरण का मतलब है परी प्लस आवरण, हिंदी में समझोगे चारों ओर ढका हुआ, ठीक है, चारों ओर से ढका हुआ। नेक्स्ट चलिए, अब आइए यहाँ इस डेफिनेशन को समझिए। एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड अस इज़ नोन एज एनवायरमेंट, वो सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित हैं। देखिए मुझे इतना डिटेलिंग क्यों करना पड़ रहा है इसका, ये आप आगे समझ पाएंगे, ठीक है, जब इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा। देखिए हमारे चारों ओर क्या क्या थे, पेड़ पौधे थे, मनुष्य थे, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बैक्टीरिया थे, वायरस थे, इस तरह से एनिमल्स हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बंदर, ये सब क्या है, एनिमल्स हैं। वाटर रिवर्स में था या नालियों में था, मिट्टी सॉइल जिस पर आप रुके हुए हैं टिके हुए हैं अभी, एयर भी प्रेजेंट है, पर्वत है, सनलाइट है, गर्मी सर्दी तापमान, यानी सनलाइट की बात, सूरज की बात चल रही है, सूर्य की। तो इसमें से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें जो प्रेजेंट है हमारे चारों ओर हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिंदा होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो निर्जीव होती हैं। जिंदा मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सजीव हैं, जिनमें जीवन होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव होती हैं। तो निर्जीव चीज़ों को कहते हैं इंग्लिश में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सजीव को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इनको समझ लो पहले, उनमें से क्या क्या चीज़ें थी जो अभी हमने लिस्ट लिखी थी, जल भूमि वायु पर्वत गर्मी तापमान, ये क्या है, निर्जीव हैं, इनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं अबायोटिक, अजैविक, नाम दे दिया हमने इसको एक अबायोटिक, हम सिर्फ नाम देते चलेंगे। हमारे चारों ओर जितनी चीज़ें विद्यमान थी हमने उनको नाम दे दिया पर्यावरण, तो हमारे पर्यावरण जैसे नाम दिया, हमारे चारों ओर जितनी भी निर्जीव चीज़ें थी उनको नाम दे दिया हमने अबायोटिक, टेक्निकल नेम आ गए अभी आपके। ऐसे ही सजीव में क्या है, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इन सबको नाम दे दिया हमने जैविक यानी बायोटिक, जिनमें जीवन होता है। जीवन का क्या मतलब होता है, लाइफ, लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है, लाइफ की डेफिनेशन होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, ठीक है, टाइम स्पेन बिटवीन बर्थ टू, या फिर बर्थ एंड आप कहेंगे डेथ, ठीक है, मृत्यु से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय लाइफ कहलाती है, जिसमें जीवन होता है वो सजीव होते हैं। तो इन्वायरमेंट इज दी क्या हुआ, इन्वायरमेंट को हम समझ सकते हैं, इसमें क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, सजीवों और निर्जीवों का संयोग है, या और टेक्निकल डेफिनेशन जो आपकी किताबों में डायरेक्टली मिलती है, इन्वायरमेंट इज दी सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी जल भूमि, इनको ना लिख करके हम इतनी लंबी डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे, जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण ही पर्यावरण कहलाता है। डेफिनेशन इज क्लियर, वीडियो को दोबारा देख लेंगे, और इसके नोट्स में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। डेली क्लास होगी, एक दिन में दो क्लासेस रखेंगे हम इन्वायरमेंट की, ठीक है, जल्दी कोर्स कंप्लीट करते हैं अपना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोर्स आपके ऊपर रहेगा, आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए, इस चीज़ में कोताही आप ना बरतें। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधे जीव जंतुओं का वो समूह जो हमारे चारों ओर विद्यमान है पर्यावरण कहलाता है। क्या क्या चीज़ें विद्यमान थी, देखो यहाँ अगर मैं आपको इतना डिस्कस कर रहा हूँ, इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इस चीज़ को, तो मुझे पता है आने वाले चैप्टर्स में क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती थी, वो सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे, और आपको इन जो शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँगा आप उनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अभी हमने क्या देखा, लैंड देखी, मिट्टी, इसको हमने स्थल नाम दिया है, यहाँ वायु देखी थी हमने, एयर, वायु को महसूस किया जा सकता है, जल है, वाटर है, प्रकाश है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये अबायोटिक थी। अब इनको हम अबायोटिक बोलेंगे, अब ये सब चीज़ों का एक साथ नाम नहीं लेंगे, अबायोटिक बोलेंगे या अजैविक बोलेंगे, या तीसरा नाम आप ले सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट, इसी को बोलते हैं हिंदी में भौतिक संगठक। ऐसे ही पेड़ पौधे, ह्यूमन बीइंग, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या है, बायोटिक, इन सब में जीवन है, इन सब में जीवन नहीं है, तो ये क्या है, बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ही तो कॉम्पोनेंट थे ये, तो ये क्या है, अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के सजीव घटक, पर्यावरण के निर्जीव घटक, ठीक। तो इन्वायरमेंट में पृथ्वी के भौतिक तथा अजैविक संघटकों को शामिल किया जाता है। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। इस पर क्वेश्चन बनाया पीसीएस में, यूपी टेट में, अलग तीन तरह से क्वेश्चन बनाया है। इन डेफिनेशन, जितनी डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ डिस्कस की हैं, इन सभी डेफिनेशन पर अलग अलग क्वेश्चन बनाया, डिस्कस करूंगा साथ में आपके। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमें क्या है, देखिए अजैविक घटक और भौतिक घटक क्या क्या होते हैं, सवाल आपके एग्जाम में आया, इनमें से कौन सा अबायोटिक घटक है, आगे लिया है मैंने, आप परेशान ना हो उसके लिए। भौतिक घटक के अंतर्गत मृदा या मिट्टी, भूमि, वायु, जल, ये सब आते हैं, ठीक है। तो भूमि, मृदा या भूमि के बहुत बहुत बड़े हिस्से, जिस लैंड पर आप खड़े हैं, इस पूरे बहुत बड़े, देखा है आपने अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं महाभूखंड, ठीक है, यानी इस भूखंड के,
इस भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा, उसको कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहा जाता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, लिथोस्फीयर के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर सब डिस्कस करेंगे। नीचे वायु, वायु हमारे चारों ओर इसी इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है, हमारे चारों ओर, तो इसको बोलते हैं वायुमंडल। जल, जल कहाँ प्रेजेंट है, जलमंडल में। हाइड्रोस्फीयर कहाँ है, जो महासागर हैं जितने, वो सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर में ही तो आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में, जैविक घटकों में हमको क्या क्या पढ़ना है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स हमारे लिए भोजन बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं, तो हम प्लांट्स को ही तो खाते हैं। प्लांट्स को खाने का मतलब है साग सब्जी पेड़ पौधे, ये सब प्लांट्स ही तो हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ये क्या है, हमारे लिए खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादक कहलाते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स में आते हैं हम लोग, कंज्यूमर, जो इनको खाते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं या प्रोड्यूसर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है डिकम्पोजर्स, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को खा सकता है डिकम्पोजर, ठीक है। ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं, पहला सवाल आपके एग्ज़ाम में 2018 में, यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, इसका इतिहास क्या रहा है, बिल्कुल सारी चीज़ें जान लीजिए इसके बारे में, कुछ नहीं छूटेगा यहाँ से। तो पहले तो इसके अदर नेम देखेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हिंदी में बोलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, यानी इको डे, या WED से भी इसको शो करते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डे भी कहा जाता है। सेकंड वन इज, विश्व पर्यावरण दिवस को हर साल 5 जून को मनाया जाता है, इस साल भी 5 जून को ही मनाया गया था। तो ये क्या है, सर्वप्रथम या सबसे पहले 5 जून 1974 को मनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को मनाया गया था। और डेट कौन सी थी, 5 जून थी, ईयर कौन सा था, 1974 को मनाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा इसका। नेक्स्ट वन देखिए, पहला जो मनाया गया था, पहले की थीम पूछ सकता है आपको, और थीम के साथ साथ में क्या पूछ सकता है, थीम के साथ में उसका देखिए, ओनली वन वर्ल्ड, इसकी थीम थी केवल एक दुनिया, इसकी मेजबानी किसकी, होस्ट कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला वाला आपको याद रखना है, ठीक है, पहला वाला याद रखना है, और बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो प्रेजेंट वाला होगा अभी, ठीक है। तो इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन, यहाँ एक शब्द आया यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन 193 देशों का एक ग्रुप है, ये एक समूह है बहुत बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था। आंसर इज यूनाइटेड नेशन, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम कभी कभी आपको सुनने को मिल जाएगा, ये होता है। तो विश्व की सबसे बड़ी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, यूनाइटेड नेशन। 193 देश इसके मेंबर हैं वर्तमान में, और स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, क्या भारत उस वक्त इसका सदस्य था, नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं था उस वक्त। भारत ने जो इसकी मेंबरशिप ली थी, वो सदस्यता ली थी 30 अक्टूबर को, ठीक 6 दिन के बाद में, प्लस 6 ऐड करो, 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इसमें जो है अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट चलिए, भारत ने 30 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र को ज्वाइन किया था। अगला, अब एनवायरनमेंट डे पर ही आ जाते हैं वापस। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट शब्द पर कब जाकर के जो है एक तरीके से बहस शुरू हुई थी, जो पर्यावरण शब्द है इस पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस कॉन्फ्रेंस में जो कि हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन के अंतर्गत, ये सम्मेलन हुआ था 5 जून से 16 जून के बीच चला था, ये 5 जून से स्टार्टिंग हुई थी, 16 जून तक चला था। उस वक्त तक पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता था। तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन फ्रॉम द जून 5 टू 16 इन 1972 टू फोकस ऑन द ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, जो मानव की पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर चर्चा करना था। अगर मैं आपको पर्यावरण की डेफिनेशन शुरू में ना बताता, तो आपको ये चीज़ आगे समझ नहीं आती। जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, हमारा इस पर्यावरण के साथ, जो आसपास की चीज़ें विद्यमान है हमारे पास, प्रकृति ने जो चीज़ें हमारे दी हैं, हम उसके साथ इंटरेक्शन कैसा कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक। तो इसका उद्देश्य पूछा जाता है एग्जाम में, कब हुआ था ये पूछा जाता है, ये ईयर पूछा जाता है। तो 5 जून से 16 जून के बीच में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया गया था, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। तो इसी 5 जून को बाद में घोषित किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। ये रहा इतिहास विश्व पर्यावरण दिवस का। और इसमें चौथे की मेजबानी किसने की थी, सॉरी, जो फोर्थ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, पहला किया था मेजबानी अमेरिका ने किया था, और बांग्लादेश ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी। इसलिए मैंने लिखा है इसको, क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर से ये रिलेटेड था, ओजोन लेयर एनवायरनमेंट कंसर्न से रिलेटेड था इसका थीम, ठीक है। ये पूरा थीम था, इसको याद रखेंगे आप, कभी आ जाए एग्जाम में। और WED 2014, भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया था 2011 में, नई दिल्ली में इसको किया गया था। और इसका जो
थीम था वो था फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विसेज। 2017 में कनाडा ने इसको जो है कनाडा ने इसको होस्ट किया था और 2018 में इसने भारत ने इसको होस्ट किया था नई दिल्ली में, जिसका थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। और अभी 2019 का किया है किसने, चाइना ने, 2019 का चाइना ने किया है। और चाइना ने जब इसको होस्ट किया इस साल का 5 जून 2019 का, तो यहाँ बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की जगह बीट एयर पोल्यूशन आएगा, ठीक है, बीट एयर पोल्यूशन। इस साल इसका थीम क्या है, बीट एयर पोल्यूशन, ठीक, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट वन, तो ये हो गया इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल डे या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जो हमारा भारत का संविधान है। देखिए संविधान का अलग, मैं इंडियन पॉलिटी अलग से पढ़ाऊंगा, शुरू कर रहा हूँ उसको भी, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में, क्या पर्यावरण सबसे कुछ संरक्षण के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, क्या हम लोगों की ड्यूटी कुछ बताई गई है क्या? जी हाँ बिल्कुल। तो भारत के संविधान की अगर आप बात करो, भारत के संविधान में मूल संविधान की अगर आप बात करोगे, मूल संविधान में 22 भाग हैं, अनुसूचियाँ उसमें जो अनुसूचियाँ भी कितनी हैं 12 और अनुच्छेद 395 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, प्रेजेंट में 12 हैं। तो संविधान में इन 22 पार्ट्स में से 22 भाग में से एक भाग है थर्ड, भाग थर्ड आपने अगर सुना हो, ठीक है, भाग थर्ड में जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं आप, मौलिक अधिकारों का जो भाग है। तो सवाल आता है फंडामेंटल राइट भारत के संविधान के किस भाग में है, 3 में है। इसी में एक आर्टिकल लिखा हुआ आर्टिकल 21 जो रिलेटेड है किससे, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ से, जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार रिलेट करता है हमारे पर्यावरण से। अगर पर्यावरण स्वच्छ है, इन्वायरमेंट अच्छा है हमारा, तो ही तो हमें जीवन जीने का थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा, इतना हेल्दी इन्वायरमेंट अगर हमारे पास है तभी तो आप जी पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल आपको, एक तो ये याद रखना है, आर्टिकल नंबर याद रखना है, पार्ट याद रखना है, ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपको स्लाइड पर है ये याद रखनी है। नेक्स्ट वन देखिए, फिर इससे अगला पार्ट है पार्ट 4, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs में बताया गया था। इसमें आर्टिकल 48 का ए है, एक ये आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला आर्टिकल भी। तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अनुच्छेद 48 का कहता है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिया है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 48 है। मतलब हमें आर्टिकल जो संविधान है वो पर्यावरण का सुरक्षा या संरक्षण की जो है एक तरीके से क्या देता है, ये अधिकार दे रहा है, ठीक है, ये रक्षा करना हमारा क्या है, एक अधिकार है एक तरीके से। पार्ट 4 का ए है, ये क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, एक ड्यूटी एक तरीके से रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नैतिक अधिकार है ये हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्य। अभी हमने फंडामेंटल राइट देखा था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके पार्ट पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों की कहाँ लिखे हैं, पार्ट 4 ए में। पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये 4 है और ये 4 ए है, डिफरेंस याद रखेंगे, हिंदी में 4 का लिखा हुआ आएगा। तो आर्टिकल 51 जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है आपके जो पूरा संविधान है, अगर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो अगर आप देखोगे, तो इसमें क्या है, टू इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव टू कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स, अनुच्छेद 51(6) है ये, या जी बोलेंगे इसको, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी आपको रक्षा करनी है, ऐसा आपको बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो आर्टिकल 21 इसका देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत जो है जलवायु भूमि है और वो अंतर संबंध जो जलवायु और भूमि और मानवों और अन्य जीवित प्राणियों पादपों और सूक्ष्म जीव संपत्ति के बीच विद्यमान है, तो ये इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है इन्वायरमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है, इसको याद रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसे भी क्वेश्चन बना है और वैसे भी क्वेश्चन बना है। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसको इन्वायरमेंट को यहीं तक समझते हैं, नेक्स्ट शुरुआत करेंगे यहाँ से आगे की, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इन्वायरमेंट आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत तेज़ी से ये कोर्स आपका मैं 3 दिन के अंदर ही खत्म कर सकता हूँ अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा रहा तो। और आप फिक्र मत करिए, ये कोर्स मैं पूरा करूँगा, साथ में आपको संविधान में पढ़ाऊँगा, इतिहास में पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ आपको, हिंदी, ठीक है, CDP भी, इवन चलिए सारी चीज़ें मैं शुरू कर रहा हूँ। और जितनी भी वीडियोस होंगी, जितने भी लेसन्स आएंगे, उन सब के आपको जो नोट्स हैं उन्हीं की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला PDF आपको मिलेगा, नोट्स ये वाले, ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जिनके व्हाट्सअप नंबर मेरे पास नहीं है, प्लीज़ उस नंबर पर जो शुरुआत में पहली स्लाइड पर आपने नंबर देखा है, इस पर आप जो है मुझे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, ताकि जो अदर PDFs होंगी मैं उनके माध्यम से आपको भेज सकूँ, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप मुझे। थैंक यू सो मच।